आप मेरा बेटा जो था, आपके बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद जुबैर। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा बेटा मुझे 100% बेकसूर लगता है। क्यों कि जब ये सानिया हुआ, ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट में इंचार्ज थे, ठीक है, बिल्डिंग जैसे ये वो बिल्डिंग है, उसके सामने वाली बिल्डिंग अलग अलग बिल्डिंग है। उस वक्त अपनी जो फीमेल इसकी होती है वर्कर, उनकी हाजिरी ले रहा था, 6 बजे उनको छोड़ना होता है, तो उसको क्या हाजिरी ले रहा था। जैसे ये हुई, मजीब साहब आए दौड़ते हुए, मैं वहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट में था, आई वॉज ऑल्सो एम्प्लॉई ऑफ द अली एंटरप्राइसेस, मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में था मजीब साहब के अंदर में आए, तो फिर हम और सेठ लोग सब अंदर ही थे, तो हम फौरन भाग गए और देखा कि ये बाहर आ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा बेटा जुबैर जो है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में काम करता था, सुबह 9 बजे 10 बजे वो पहुंच जाता था और रात के 10 बजे घर जाता था, क्योंकि 11 बजे अर्ष भैया साहब जो है मालिक जो है वो फौरन फिनिशिंग डिपार्टमेंट में पहुंच जाते थे 11 बजे बाद। तो ये दोनों मिलकर ही सब देखते थे सारा, जिनको तो दूसरे काम होते तो नीचे आते थे चले आते थे, यानी जब तक दोनों सेठ घर नहीं जाते थे मेरा बेटा घर नहीं जाता था। इवन इतवार को भी 3 दिन तक ये 3-4 बजे तक काम करता था। इसके अलावा कभी काम का लोड होता था तो नाइटें भी लगवाता था अपने मेल वर्कर को बुला के। तो एक पेन का भी अगर कोई मसला हो जाता, ख़राब हो जाती थी, तो वो बहुत जुबैर परेशान होता कि ये कैसे, ये नुकसान कैसे होने दें। प्रेस में भी देखता था, दूसरों को भी देखता था। सवाल ये पैदा होता है, मेरा एक ही सवाल आता है, तो उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो किसी तंजीम में जाके ज्वाइन करे। जहाँ तक बल्दिया के कहते हैं, बल्दिया में तो मेरी 3 बहनें रहती हैं, उसकी सास वहाँ रहती है, मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अगर वो बचपन से वहाँ जाता था तो उसमें जैसे भैया साहब ने बोला था कि वहाँ इसके साथ तो मेरे रिश्तेदार है, तो वो क्यों नहीं जाएगा? सिंपल सी बात है। इसके बाद हो गया सानिया, फिर इसने हाई कोर्ट में, ये मैं भी आता था, सेठ लोग की जमानत के लिए ये खुद जाके अपने बयान दिए। हमारे दरवाजे बंद नहीं थे, दरवाज़ा खुला था, मगर एक ही एग्जिट, एक ही एंट्रेंस, तो लोग फंस गए। मैंने भी बयान दिया था GIT में, एक बंदा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो कैसे भागेगा बाहर? और हमारी कार्गो लिफ्ट इतनी बड़ी थी, उसमें धुआं इतना ऊपर गया, हो सकता वो बिछाने को अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। बारिश भी हो रही थी, लाइटें भी ऑफ करा दी गई थी, ज़रूरी था लाइट ऑफ करना। फिर उन्होंने जब ये सब जमानतें हो गई आए, इन्होंने गोधरा के अंदर जब दोबारा अपना काम शुरू किया, तो वहाँ मेरे बेटे के साथ 1.5 साल काम किया। कितने साल? 1.5 साल काम किया। ये वाकये के बाद सर श्योर, यानी सर लोग की जमानत होगी, वो वापस आ गया, इनको फैक्ट्री इनके हैंड ओवर होगी, इन्होंने अपना सारा माल लिया। जब मैं भी वहाँ था, हम देखते थे कि हम गोडाउन से सारा माल जा रहा हो, ये फैक्ट्री में वहाँ काम कर रहे हैं, हम मेन फैक्ट्री के अंदर बैठे रहते थे। तो एक आदमी जब वहाँ भी ये काम कर रहा है, वो तुमसे काम ले रहे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, मोहम्मद जुबैर को इन्होंने सेठ लोगों ने कुछ चला गया, सेठ काम ख़त्म हो गया, एक्सपोर्ट का काम, उस बाद भी 6 महीने तक मुस्तकिल सैलरी देते रहे। इस वाक्य के बाद जी, इस वाक्य के बाद तो उसमें हो गया था ना सितंबर में 9/11 जी। तो उसके बाद भी काम ख़त्म होने के बाद भी 6 महीने तक उसको था, और जब इसका वीज़ा लग गया, जो 2 साल का वीज़ा था, मेरे रिश्तेदारों ने उसको दिया, वो दम्माम जाने लगा। तो सेठ लोगों ने, आप कितनी बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ कि गुरु मंदिर पे जो बारबेक्यू वगैरह है, मंसूर साहब और अर्शद भाईला साहब ने उसको 12,000 फेयरवेल दिया। वो से मुतमईन थे, यानी इसका मतलब ये कि वो मुतमईन थे। अब बाद में किसी ने बोला वो वहाँ खड़ा था और उसने ये देखा, और वो अंकल ये रिजवान कुरैशी की क्या दुश्मनी होगी जो उसने ये रिजवान कुरैशी का तो आपको पता है, उसके स्टेटमेंट की वजह से ये बात में बात उठी थी। इसका मुझे इतना ज्यादा, मैंने उसको नहीं जानते थे रिजवान कुरैशी। तो ये 20 करोड़ रुपए भत्ता MQM ने मांगा, इसका आपको या जुबैर को इनकी कुछ नहीं पता? बयान पढ़े उससे मुझे मालूम है कि ये सब कहानी। आप उनकी दूसरी फैक्ट्री में थे या अली एंटरप्राइज में? मैं अली एंटरप्राइज में, जुबैर भी अली एंटरप्राइज में थे। सिंपल, ये
पहले हम फोन पे थे, इनका डिपार्टमेंट हम सेठ लोग और हम लोग डिपार्टमेंट हमारे पूरे जो भी हैं तीन चार डिपार्टमेंट वो हम नीचे थे। कितना अर्से गुजारा आपने इस फैक्ट्री में, कितना काम किया? चार साल काम किया। जुबैर ने भी 4-5 साल काम किया, इसने मुझसे ज़्यादा काम पहले से ही। तो ये जब सजा हो गई थी तो उसके बाद फिर फैक्ट्री मालकान से आप लोग ने रब्ता नहीं किया? मैंने बहुत कोशिश की रब्ता करने की, मगर मुझे किसी ने इनसे रब्ता करने का मौका ही नहीं दिया। जैसे जिन लोगों के पास नंबर थे, जो लोग व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप में वो इंटरनेट पर बात करते हैं ना आप लोग, व्हाट्सएप पर बहुत बाद में आया। मैं इनसे बार बार कहता था कि मेरी इनसे बात करो, क्या मसला। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर कोई ऐसे वो थे केमिकल वगैरह जिससे खुद बखुद आग लग सकती हो? केमिकल तो मैं खुद लेके आता, तो ये मैंने बयान FIA वालों को भी दिया बाद में, और उन्होंने बाकी एग्जामिन भी किया। और जो जो आदमी जो इसको केमिकल जो सप्लाई करता था वॉशिंग के लिए, आई मीन वॉशिंग डिपार्टमेंट को जाता था, उसने तो चैलेंज किया, उसने आग लगा के देखने लग गया। तो आग आप कह रहे हैं कि लगी थी, लगाई नहीं गई आपके? मुझे तो यही लगता है कि उनसे गई। लेकिन तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मर जाना वो सवाल, मैं इसका हर बहुत अफसोस है, क्योंकि मैंने बाद में राशन बांटा इनको 3 महीने तक, 6 महीने तक मैंने राशन बांटा। राशन बांटने का काम भी मुझे सौंपा गया, और जुबैर भी इसमें कोऑर्डिनेट करते थे ये लोग सब, तो तमाम लाइव उनको मैंने राशन बांटा। तो हमाद सदीकी का इसमें अब्दुलरहमान का क्या ताल्लुक था जो उसमें? आई डोंट नो सर, ये तो हमाद सदीकी जो और ये लोग जो बैंकिंग से ताल्लुक था साहब, और ये रहमान भुला साहब तो वो जानते हैं कि कोई इंचार्ज थे वहाँ के, 70 इंचार्ज। अब हाई कोर्ट ने ये सज़ा बरकरार रखने का हुक्म दिया है कि फांसी की सज़ा बरकरार रहेगी। जी सर। तो अब आप इस फैसले के खिलाफ क्या करेंगे? सही ऐसा नहीं कि अब हमारे वकील साहब के मुताबिक हमें नाजिर ब्रांच में सुप्रीम कोर्ट का दोबारा अपील करनी पड़ेगी। आपका बेटा बेगुनाह आप कहते हैं? 100% आपका इस फैसले को चैलेंज करने का इरादा है? नहीं, चैलेंज तो नहीं कर सकता सर। देखिए हम ऐसे इसमें पढ़े लिखे और समझदार आदमी ना कानून जानते हैं, फैसले को हम चैलेंज नहीं कर सकते। जो हकायक उनको बयान दिया गया उन्होंने उसके मुताबिक कोई फैसला दे दिया है। बहरहाल हम अपील करेंगे, इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा। ठीक है, थैंक यू।